हेलो दोस्तों मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और आज मैं लाया हूं आपके लिए अट्ठारह सौ सत्तावन ईस्वी में जो में जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न हो जाएगा अट्ठारह सौ का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था तो ये जो अठारह सौ सत्तावन ईस्वी का विद्रोह था कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो ये हुआ था वैरकपुर से वैरकपुर से ये स्टार्ट हुआ था अठारह सौ सत्तावन ईस्वी का विद्रोह उसके बाद बात करें अट्ठारह सो सत्तावन ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिन लॉर्ड कैनिन अट्ठारह सौ ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था उसके बाद बात करें किस सैनिक ने अठारह सौ ईस्वी का विद्रोह आरंभ किया था तो किसने किया था मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने अब उसके बाद बात करें मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी तो आठ अप्रैल अठारह सौ को आठ अप्रैल अठारह सौ को फांसी दी गई थी उसके बाद बात करें अट्ठारह के विद्रोह में कानपुर के कानपुर से नेतृत्व किसने किया था अठारह के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व तो किसने किया था तो किसने किया था ताता टोप तो किया था तात्या टोपे टोपे तो एवं नाना साहेब ने तात्या टोपे एवं नाना साहब ने उसके बाद बात, बात करें तो तात्या टोपे का वास्तविक कि नाम क्या था तो था, नाम था इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग जी तात्या टोपे जी का नाम क्या था रामचंद्र पांडुरंग उसके बाद बात करें अट्ठारह के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था तो किसने किया था नेता कुंवर सिंह जी ने नेता कुंवर सिंह जी ने अट्ठारह के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया था उसके बाद बात करें अट्ठारह में दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था जो विद्रोह हुआ था इसमें दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने बहादुर शाह जफर ने उसके बाद बात करें अट्ठारह सौ के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने ने किया था तो बेगम हजरत महल जी ने बेगम हज़रत महल जी ने अट्ठारह सौ के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था उसके बाद बात करें अट्ठारह सौ के जो विद्रोह था झांसी से किसने किया था तो झांसी की बात है तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ लखनऊ से कौन बेगम हज़रत महल और अट्ठारह सौ के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था तो रानी लक्ष्मीबाई उसके बाद बात करें अठारह सौ सत्तावन ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था तो यहाँ से लियाकत अली जी ने लियाकत अली बनारस और इलाहाबाद से नेतृत्व किया था उसके बाद बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अट्ठारह सौ सत्तावन पुस्तक किसने लिखी तो वी डी सावरकर वी डी सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अट्ठारह सौ सत्तावन पुस्तक लिखी उसके बाद बात करें एटीन फिफ्टी सेवन एटीन फिफ्टी फिफ्टी सेवन अट्ठारह सौ सत्तावन से पुस्तक किसने लिखी तो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्हें एटीन फिफ्टी सेवन अट्ठारह सौ सतावन पुस्तक लिखी उसके बाद बात करें बहादुर शाह सेकंड को कहाँ पकड़ा गया था तो कहाँ पकड़ा गया था हुमायूं के मकबरे से उसके बाद बात करें अट्ठारह ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है ये किसके वचन था ये वचन किसके द्वारा कहा गया था तो ये कि कहा किसके द्वारा गया था तो कार्ल मार्क्स के द्वारा अट्ठारह ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है ये किसके द्वारा कहा गया, गया तो कार्ल मार्क्स के द्वारा उसके बाद बात करें भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द हैं ये किसने कहा था तो ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने इसमें कुछ प्रिंटिंग में हो दिक्कत हो गई हो तो उसको आप ध्यान ना दीजिएगा जैसे कि, कि भारतीय क्रांतिकारियों यहाँ होना चाहिए तो इसमें गलत हो गया है तो आप ध्यान दीजिएगा भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मी बाई अकेले मर्द हैं ये किसने कहा था ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने उसके बाद बात करें रानी लक्ष्मी बाई जी का वास्तविक नाम क्या था तो नाम था मणिकर्णिका मणिकर्णिका उसके बाद बात करें अठारह सौ ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेखंड को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था तो रंगून कहाँ पर रंगून और तो उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा इलाहाबाद को तो किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था तो लॉर्ड केनन ने लॉर्ड केनिन ने उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई तो कब की गई थी अट्ठारह सौ सत्तावन ईस्वी में अठारह सौ सत्तावन ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी तो ये थे अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से कहना चाहूँगा सब्सक्राइब करें शेयर करें और सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे धन्यवाद